नमस्कार, साहित्य तक के शब्द रथी कार्यक्रम में अनंत पुराणों वाले देवदत्त पटनायक, जो अपनी दो दृष्टियों से वह सब कुछ देखते हैं जो कई आंखों से, या मैं कहूं कि सैकड़ों आंखों से नहीं दिखता। हमारे पास आंखें होती हैं, लेकिन वह दृष्टि नहीं होती जो दृष्टि देवदत्त के पास है। देवदत्त पटनायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि मैं पहली बातचीत, बातें, मुलाकातें की देवदत्त पटनायक के साथ ही शुरू किया था, और उस समय हमने अलग अलग किताबों पर चर्चा की थी। हालांकि मुख्य विषय था, जो किताब आई थी देवलोक सीजन से अलग, एक किताब हिंदी में आई थी जिसका नाम था द प्रेग्नेंट किंग। और उस किताब के बाद आज हम दूसरी किताब धर्म और समलैंगिकता पर बात करने के लिए उपस्थित हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई देवदत्त जी आपको कि आप ऐसे विषयों को चुनते हैं जो विषय अमूमन हमारी सनातन परंपरा या हिंदू धर्म में तो हैं, लेकिन जिन पर बात करने से हम कतराते हैं। क्या वजह थी कि धर्म और समलैंगिकता, आप केवल इसको समलैंगिकता भी कह सकते थे और उस पर भी चर्चा कर सकते थे, लेकिन आपने इसके टाइटल में धर्म और समलैंगिकता दिया, तो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को पहले बताएं कि आपने धर्म से इसको क्यों जोड़ा और उस दृष्टि से बात क्यों की और इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या था। और हाँ, इससे पहले मैं आपको बधाई दे दूं और दर्शकों को भी बता दूं कि देवदत्त की यह पहली पुस्तक है जो हिंदी में आई है। यह अंग्रेजी में नहीं आई, पहले हिंदी में आई है, अब शायद इसके बाद अंग्रेजी में आए या दूसरी भारतीय भाषाओं में जाए, तो यह हिंदी की ताकत है। और मैं इसके लिए आपको बधाई भी दूंगा, अपने दर्शकों को भी बधाई दूंगा, आपको भी धन्यवाद भी दूंगा, शुभकामनाएं और बधाई भी दूंगा। थैंक यू सो मच। तो ये क्या हुआ, एक ये व्यक्ति है अंकित भुप्तानी, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि उनको कई प्रश्न पूछे जाते हैं। वो हिंदू क्वियर अलायंस उनका एक ग्रुप है और बहुत लेक्चर देते हैं, तो उनको बहुत प्रश्न पूछा जाता है सनातन धर्म के ऊपर और समलैंगिकता के ऊपर। तो वो बोल रहे थे मुझे कभी उत्तर देने में बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप मुझे जरा हेल्प कीजिए। तो हमने एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर, वो मुझे प्रश्न पूछ रहे थे और मैं उन्हें उत्तर दे रहा था। तो फिर मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छे, ये संवाद बहुत अच्छा था, तो मैंने कहा कि इसका एक किताब बनाते हैं। और फिर मैंने प्रपोज किया पेंगुइन को, और पेंगुइन वैशाली जी ने कहा कि नहीं, दिस इज अ वेरी गुड टॉपिक, एंड इमीडिएटली उन्होंने एग्री कर लिया। मुझे लगा कि यू नो नाउडेज पब्लिशिंग हाउस भी थोड़ा डरते हैं एंड ऑल दैट, आई सेड कर लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। बिकॉज लोगों को, मुझे सरस्वती से लोग इतने डरते क्यों है मुझे समझ में नहीं आता है। सरस्वती तो यू नो विद्या की देवी है, लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत लोग सरस्वती से बहुत डरते हैं। उन्हें चाहिए कि उन्हें किताब, उनको कवर्ड के अंदर रख दो, अंदर रख दो, बाहर मत लेके आओ, बिकॉज फिर बच्चे बिगड़ जाएंगे। क्योंकि सरस्वती, अगर सिर्फ हमें विद्या लक्ष्मी चाहिए जिससे जॉब मिले, सरस्वती और विद्या लक्ष्मी में बहुत फर्क होता है। विद्या लक्ष्मी से आपको जॉब मिलता है, लेकिन सरस्वती से आत्मज्ञान मिलता है। और इसलिए मैंने ये किताब लिखी, क्योंकि ये धर्म शब्द इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम धार्मिक शब्द इस्तेमाल करते हैं तो रूढ़िवादी निषेध करने वाले लोगों को टीवी पे लाया जाता है। वो रंग बिरंगी कपड़े पहन के आ जाते हैं और कुछ भी बकवास करते हैं, और लोग उन्हें सुनना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि धर्म इतना डरावना, जो स्कूल के सबसे भयानक टीचर होते हैं ना, सब उनके रूप में आते हैं और कॉस्ट्यूम पहनकर। ज्यादातर ये लोग अनपढ़ है, कुछ पढ़े नहीं है, कुछ नहीं पता है, इनको कुछ भी बोल देते हैं। और मैं सुन के आई एम वेरी शॉक्ड कि मैं जो किताब पढ़ रहा हूँ और ये जो बोल रहे, इतना अंतर कैसा है कि जहां मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे सरलता दिखाई देती है, स्पष्टता दिखाई देती है, प्रेम दिखाई देता है, आत्मज्ञान दिखाई देता है, और ये जब बात करते हैं तो केवल गुस्सा, क्रोध, प्रतिशोध, यू नो आग बबूला होके ड्रामा करना मुझे समझ में नहीं आता है। तो मैंने कहा कि लोगों को बताना चाहिए कि देखिए, दूसरा एक पहलू है, बहुत ही बड़ा पहलू है, जैसे सूरज के यू नो एक्लिप्स जब होता है तो आगे राहु आ जाता है, तो ये राहु है और इसके पीछे एक बहुत सुंदर सूर्य है, और ये सूरज को दिखाने का एक प्रयास है। तो इसलिए मैंने ये किताब बहुत ही प्रैक्टिकल, डायरेक्ट, कि कुछ डाउट ना हो कि टॉपिक के ऊपर क्या है, टॉपिक समलैंगिकता के ऊपर और धर्म के ऊपर है, और केवल ये सभी धर्मों के ऊपर, केवल सनातन धर्म के ऊपर नहीं है,
बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिखिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सब धर्मों के ऊपर थोड़ा 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 जितना मुझे पता है मैंने थोड़ा शेयर किया है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि समलैंगिकता यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन देवदत्त तीसरे जेंडर की बात करते हैं। इनका कहना है कि स्त्री और पुरुष के बीच में भी बहुत सारी चीजें हैं, स्त्रियों स्त्रियों के संबंध हैं, पुरुषों पुरुषों के संबंध हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका पुरुष और स्त्री दोनों से संबंध है, कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जिनका स्त्री स्त्री से भी संबंध है और स्त्री पुरुष का भी संबंध है। और ऐसा एक खास बात इस पुस्तक की यह है कि देवदत्त इसको जायज और नाजायज, वैधानिक अवैधानिक से परे ले जाते हैं। उनका मानना है कि यह प्रकृति है। एक बहुत खास बात मैं चाहूंगा कि जो मैं इस पुस्तक को पढ़ने के दौरान मेरी नजर से गुजरी और जो मैं चाहता हूं कि आप अपने मुंह से हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने ये कहा है कि प्रकृति में हर तरह का भाव है और हर तरह की स्थितियां हैं। और यह दृश्य आपने बल्कि बाकायदा इसमें जो सवाल जवाब की शैली में आपने बौद्ध धर्म और जैन धर्म तक की बात की है, आपने इस्लाम की भी बात करी है, ईसाइयत की भी बात की है, यहूदी धर्म की भी बात की है, और आपका ये मानना है कि धर्म से या किसी व्यवस्था से या कानून से परे जो प्रकृति है वह सर्वभावी है और उसमें सब कुछ संभव है, सब कुछ दिखता है, और जिसके पास दृष्टि है वह सब कुछ देख सकता है, जिसके पास दृष्टि नहीं है उसके साथ ये दिक्कतें हैं। मैं चाहूँगा कि कुछ उदाहरणों के साथ, इस पुस्तक के ही उदाहरणों के साथ आप थोड़ा दर्शकों को ये बताएं, क्योंकि उनको ये पता होना चाहिए। अमूमन एक टैबू सा है हमारे पूरे समाज में, आपने उसकी बात भी की है और उस सवाल को भी उन्होंने पूछा है कि खजुराहो की मूर्तियों में, कुछ मूर्तियों की भी बात की है कि मंदिरों में ये उकेरा गया है, तो ऐसा है क्या? तो प्रकृति में हर प्रकार की चीज है। ये तो हम प्रकृति को अनंत कहते हैं, अनंत का मतलब है सब कुछ है। और अगर आप सामवेद पढ़ते हैं, सामवेद में वो उन्होंने सभी मंत्रों को दो ग्रुप में डाला है। एक बोला है कि जो वन में गाया जाता है आरण्य में, और दूसरा होता है जो ग्राम में। अभी आरण्य और ग्राम में फर्क क्या है? आरण्य में मनुष्य का कंट्रोल नहीं है जी, और ग्राम में मतलब गांव में या जो संस्कृति है, संस्कृति में मनुष्य का कंट्रोल है। तो इन दोनों में ये फर्क है। तो जंगल और खेत में फर्क है कि खेत के ऊपर मनुष्य का कंट्रोल है, जंगल में मनुष्य का कंट्रोल नहीं है। तो खेत में हम वही चीज लाते हैं जो हमारे दिल को सांत्वना दे, जो हमको डराता है हम उसको बाहर रखते हैं जी। जो जीव जंतु, जो भाव, जो रस हम एक्सेप्ट कर सकते हैं हम उसे अंदर लेके आते हैं, और जो हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं उसे बाहर रखते हैं। तो ये बात इज अ वेरी फंडामेंटल आइडिया। प्रकृति और संस्कृति का ये फर्क भारतीय धर्मों में बहुत क्लियरली एक्सेप्ट किया गया है। और फिर बोलते हैं कि तुम कितना इसे खोल सकते हो, इससे पता चलता है तुम्हारा दिल छोटा है या बड़ा है। जिसका दिल छोटा है वो चीजों को बाहर रखेगा, और जिसका दिल बड़ा है वो चीजों को अंदर लेके आएगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में जो राम है वो वनवास जाते हैं, पांडव वनवास जाते हैं, क्योंकि वन में जाके वो देखते हैं कि दुनिया कितनी बड़ी है, और ताकि वो जब वापस लौटते हैं, जब अयोध्या लौटते हैं, हस्तिनापुर लौटते हैं, तो उनके अंदर ज्यादा ज्ञान होता है कि देखो दुनिया बहुत अलग है, बहुत बड़ा है, तो हमें अलग तरीके से जीना है। तो ये जो यात्रा है ग्राम से आरण्य, आरण्य से ग्राम, ये एक रूपक है, इट्स नॉट लिटरल। ये बोलने की एक तरीका है कि दुनिया बहुत बड़ी है, तुम्हारी सोच छोटी है। जब तुम यात्रा करते हो तो सोच बड़ी होती है। और किताब साहित्य एक प्रकार का यात्रा, एक आप कह सकते हैं हमारे लिए एक यात्रा है जंगल के अंदर। तो ये जंगल के अंदर हम यात्रा करेंगे, और ये जब करते हैं तो हम अलग अलग प्रकार के देखते हैं कि हल संस्कृति इसे कैसे स्वीकार करती है, अस्वीकार करती है, क्यों स्वीकार करती है, क्यों अस्वीकार करती है। तो ये बातें धीरे धीरे करके, और कैसे स्वीकार करें, नॉट कि स्वीकार करना एक बात है, पर कैसे स्वीकार करें। जैसे हिंदू धर्म में वो कहेंगे कि देखो सब चीज अनंत है, विभिन्नवाद के माध्यम से हम समलैंगिकता को स्वीकारते हैं। बौद्ध धर्म में करुणा के माध्यम से हम समलैंगिकता, तृतीया प्रकृति को स्वीकारते हैं।
अनेकांतवाद से जैन धर्म इसे स्वीकारता है। इस्लाम कहता है कि देखो सब कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन प्यार सबसे बड़ा चीज है। प्यार से जो हमें न्याय से समझ में नहीं आता है वो प्यार से समझ में आ जाएगा। तो ये न्याय और प्यार की जो बात होती है, तो जब न्याय इस तकलीफ देता है तो आप प्यार की तरफ चले आओ। तो ये सिंपल तरीका है, ये ईसाइत में भी यही बताया जाता है, क्रिश्चियनिटी में। तो ये हर संस्कृति में, हर व्यवस्था में एक आपको एक यंत्र दिया गया है स्वीकार करने के लिए। लेकिन आप उस यंत्र को क्यों ठुकराते हो? क्योंकि दिल छोटा है। आपने चर्च का भी उद्धरण दिया है कि चर्च के मतलब चर्च के प्रभाव में ये बात कही गई कि ये गलत है। ये क्या होता है कि लोग समझते हैं कि ये सनातन काल से ये फॉरबिडन था। ये जो हमारा लॉ है, जो फेमस 1857 में ये एक लॉ पास किया गया था, ये सेक्शन 377 लॉ हमारे देश में जब नाजायज कैसे बना, भारतीयों ने इसे नाजायज नहीं किया था, अंग्रेजों ने इसे नागराज किया और हमने इसको स्वीकार कर दिया। हमने बोली आजादी आजादी आजादी, लेकिन जो न्याय सिस्टम है वो तो अंग्रेजों का है, और अंग्रेजों ने जो कहा हमने स्वीकार किया। जाके 2018 कभी जब सेक्शन 377 को ओवरटर्न कर दिया, 2-3 साल हो गए, तब तक ये ब्रिटिश लॉ था। और ब्रिटिश लॉ में आया कहां से? ये आया है चर्च से। चर्च में क्यों आया? बिकॉज चर्च ने कहा कि ये बुरा है, तो चर्च में ये कंट्रोल, निषेध करने के लिए, लोगों को बांध के रखने के लिए। और उनका प्रॉब्लम था रोमन्स के साथ, और वो रोमन्स जो भी पसंद करते थे इसको रिजेक्ट करते थे। तो ये ज्यादातर राजनीति है, इसका कोई भगवान धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। राजनीति को समझना चाहिए कि भैया राजनीति है ये। आपने बाकायदा ग्रीक देवी देवताओं का भी उद्धरण इस पुस्तक में दिया है, और मैं बार बार दर्शकों को इसलिए कह रहा हूँ कि ये कोई सामान्य पुस्तक नहीं है। आप इसको पढ़ोगे, आपको कहानी के अंदाज में, आपको बातचीत के अंदाज में, और खास बात, मैं फिर इस बात के लिए आपको बहुत बधाई दूंगा कि आपने बहुत सहज भाषा में, मतलब जिसको नहीं पता है चीज़ों का, जो धार्मिक किताबों की गुत्थियों में नहीं जाना चाहता, जो किसी सुक्ति में नहीं जाना चाहता, या चर्च के जो पद हैं या बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक वगैरह हैं उनमें नहीं जाना चाहता, उसको भी आपने बहुत सहज सरल भाषा में ये बताया है कि देखो भाई, हमारे यहाँ ये स्थिति थी, हमारा समाज इतना उदार था, और हमारा ही नहीं बल्कि दुनिया के सारे समाजों की बात आपने एक तरह से मानवीय सभ्यता और मानवीय विकास को धार्मिक नजरिए से भी देख के रखा है सामने कि हमारा हृदय उदार होना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, कुछ आपने बहुत सारे मंदिरों का भी जिक्र किया है, और बाहर के मंदिरों का भी जिक्र किया है, इस देश में भी दक्षिण भारत के मंदिरों का जिक्र किया है, उसमें ओडिशा के भी देवी देवताओं की, देवियों देवियों की बात आई है, देवताओं देवताओं की बात आई है। जब आप यह लिख रहे थे तो देवदत्त के मन में एक चीज, आपके दिमाग में क्या था कि मैं इन मंदिरों को जो उद्धरण दे रहा हूं, आपने उसको बाकायदा लिखा है कि मैं इसको सिद्ध नहीं कर रहा हूं, ना तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा ही है, लेकिन इसके पीछे क्या वजह है आप तलाशिए कि केवल देव देव के मंदिर क्यों है, या केवल देवी देवी के मंदिर एक साथ क्यों है, उनकी मूर्तियां क्यों है, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। देखिए, भारत में अगर हम जाएं तो अलग अलग प्रकार के देवी देवताएं मिलते हैं, और ये जैसे हमने फेमस स्टोरी है कि हिरण्यकश्यपु की कहानी, जहाँ पे एक असुर होता है तो कहता है कि मुझे केवल ना पशु मार सकता है ना नर मार सकता है। तो भगवान नरसिंह का रूप ले लेते हैं कि देखो मैं पशु भी बन सकता हूँ, ये दोनों बन सकता हूँ। या फिर हमारे पास अर्धनारेश्वर का रूप है जो पुरुष भी है स्त्री भी है। ऐसी कहानियां और कहीं दुनिया में नहीं मिलती है, केवल भारत में मिलता है। क्यों बताना चाहते हैं कि देखो तुमने ये जो दायरा बनाया है, ये जो बाउंड्रीज बनाए हैं, वो तुम्हारे दिमाग में है। दिमाग प्रकृति में दायरे नहीं होते हैं, बाउंड्री जो होता है वो बाउंड्री, जो मर्यादा, जो रूल्स बनाते हो वो केवल तुम्हारे दिमाग में है, वो प्रकृति में नहीं है। ये शास्त्र रिपीटेडली बता रहे हैं
इसलिए मंदिरों में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि युद्ध की भी फोटो होती है और वहां पे श्रृंगार की मूर्ति भी होती है। उसका मतलब क्या, अभी आजकल टीवी में आप देखोगे, ये आजकल फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप सिगरेट कोई स्मोक कर रहा है तो बोलेंगे सिगरेट स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ, लेकिन अगर गन उसके हाथ में है तो कोई कुछ नहीं बोलता है। वो गन से लोगों को मार रहा है, चारी चाकू से मार रहा है, उसका कला काट रहा है, वहां कोई नहीं लिखता है कि देखिए बच के रहिए ये इंजुरियस टू हेल्थ क्यों नहीं बोल रहे। तो ये जो बात है कि देखो कितने बेवकूफ लोग हैं, और हमारे शास्त्र बोल रहे हैं मंदिरों में भी मूर्तियां बनाई गई हैं आपको समझाने के लिए, तो आपका दुनिया दिखाने खोलने के लिए कि पशुओं का यौन संबंध मूर्तियों में दिखाया गया, पेंटिंग में दिखाया गया है, बच्चे आने वाले हैं मंदिर में क्यों बना रहे हैं मूर्ति, ये दिखाने के लिए कि जो तुम प्रकृति से छुपा रहे हो वो मंदिर में स्वीकारित है, ये दिखाने के लिए। जब तो दो स्त्रियों का पूजा करते हैं हम लोग, वो दो स्त्री कौन है, वो दो स्त्री क्यों बनाए गए हैं, द्वी माता जिसको कहते हैं, टू मदर्स, वो दो बहन है, दो सहेलियां हैं, कुछ भी हो सकती है, माँ बेटी हो सकती है, दो सहेलियां हो सकती है, बहन हो सकते हैं, उनका रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका दर्शन करना है आपको कि हम केवल मंदिरों में केवल एक स्त्री या एक पुरुष या केवल दाम्पत्य के अलग, ये दोस्ती के अलग रूप होते हैं, संबंध के अलग अलग रूप होते हैं, आपके मन में जैसे विचार है वो दिखाई देगा, लेकिन ये याद रखना है कि अलग आदमी अलग दर्शन कर रहा है। जब हम श्रीनाथ जी को स्त्री वेश डालते हैं, श्री कृष्ण को स्त्री वेश डालते हैं, या मथुरा में कृष्ण को गोपेश, शिव जी को गोपेश्वर रूप देते हैं, ये दर्शन कराने के लिए कि देखो ये भगवान ये सब चीजें बातों से बहुत बड़े हैं, वो तुम्हारे तकियानुसी ख्यालात को तोड़ रहे हैं और बोल रहे हैं एटलीस्ट मंदिर में आके तुम्हारा जो ब्लॉक है उसको निकाल दो, मंदिर के अंदर दिल थोड़ा खोल दो ताकि जब तुम वापस घर जाओ थोड़ा उदार मन, थोड़ा करुणा भाव से तुम वापस लौटो। वो प्रयत्न कर रहे हैं, उन्हें भी पता है कि मनुष्य बहुत ही क्या बोलते हैं स्टबर्न है, वो नहीं सुनेगा तो, लेकिन कोशिश, भगवान की भी कोशिश जारी है। आपने एक बहुत अच्छे तथ्य का उल्लेख किया है, और तमाम देवी देवताओं के स्वरूप परिवर्तन को आप ये कहते हैं कि ये जो द्रव्य है उसको आपने बाकायदा द्रव्य का स्वरूप दिया है कि ये परिवर्तित हो रहे हैं, और कोई भी व्यक्ति, मतलब हमारे जो कथाएं हैं उनमें पुरुष का स्त्री बनना या स्त्री का पुरुष बनना या उनका प्रजनन करना, बच्चे पैदा करना, या कई बार दोनों, आपने एक उदाहरण दिया है कि दिन में पुरुष रात में स्त्री, तो इस तरह की जो विचित्र कथाएं हैं और जो कि हमारे ग्रंथों से ही आपने ली हैं, और लेकिन देवदत्त जब भी ये बात कहते हैं, मैं हमेशा जब भी आपको सोशल मीडिया पे भी देखता हूँ, पिछली बार भी मैंने ये सवाल किया था कि आप हमेशा निशाने पर होते हैं और हमेशा इस बात का जिक्र होता है कि भाई आप हिंदू धर्म को अपने हिसाब से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रख रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जो पढ़ा लिखा है, अगर आप एक लाइब्रेरी में जाते हो, लाइब्रेरी में आपने एक किताब पढ़ी है, मैंने 10 किताब पढ़ी है, जिसने एक किताब पढ़ा है उसे लगता है कि जो 10 किताब पढ़ा है वो जरूर मूर्ख होगा, जो 100 किताब पढ़ा है तो वो जरूर मूर्ख होगा, महामूर्ख होगा, और जो बिल्कुल अनपढ़ है उसे लगता है कि तो ये लाइब्रेरी को जला ही देना चाहिए क्योंकि यहां से लोग विचित्र विचार लेके आते हैं। दुनिया ऐसी ही है, हम पंडितों की निंदा करते हैं क्योंकि हमें समझ में नहीं आता कि पंडित बोल क्या रहा है, इसलिए अनपढ़ गंवारों को हम से बच के रहना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया में हम आजकल समानवाद की बात कर रहे हैं, अनपढ़ गवार जो पढ़ा लिखा नहीं है, हम बोलते नहीं 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 वो भी पढ़ा एजुकेटेड है, उसको सब कुछ पता है, मतलब किताबों को हम वैल्यू ही नहीं देते, शास्त्रों को वैल्यू नहीं देते, वेद, जिस दिन एक दिन आज आदमी ने कहा कि नहीं वेद शास्त्र में ये लिखा है, ऐसे कौन से वेद में लिखा है बताइए, तो वो भड़क गया बिकॉज उसे कुछ पता नहीं, ऐसे नहीं आपको बताइए ना, मेरे पास मेरे फोन में है पूरा ऋग्वेद, मेरा फोन में है, बताइए कौन से मंडल कौन से सूक्त में है बताइए,
क्योंकि इतना मुश्किल है ऋग्वेद समझना, इतनी आसानी से आप जो बोल रहे हो। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें तो संस्कृत की जानकारी नहीं है। उन्होंने बोला संस्कृत तो हजार लोग अनुवाद कर चुके हैं, आप बोल रहे हो हजार लोग मूर्ख हैं। तो जितने भी लोग ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करते हैं, वो सब मूर्ख हैं आपके हिसाब से। और वो सौ अनुवाद पढ़ने के बाद हमें समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। तो फिर वो भड़क गए कि आप हिंदूफोबिक हो, बिकॉज अभी पकड़े गए ना। तो पकड़े, जो पकड़ा जाता है वो गाली देता है, जो पंडित होगा वो गाली नहीं देगा ना, वो शास्त्रार्थ करेगा। वो कहेगा कि अच्छा मे बी तुम इस दृष्टिकोण से देख रहे हो। और शास्त्रार्थ का मतलब विवाद नहीं, हमेशा संवाद होता है। दो शास्त्री जब सचमुच में बात करते हैं, अहंकार से विवाद होता है। जहां अहंकार नहीं होता है, जहां विद्या प्राप्ति के लिए हम जाते हैं, वहां पे हमेशा संवाद होता है। तो जब लोग ऐसे तोड़ मरोड़ के, मुझे पता है कि अनपढ़ है, अगर मैं कुछ बोल दूं तो बोलेंगे अपने आप घमंडी, अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हो तुम। मैं बोलूंगा अगर तू तो गंवार है, तो बोलेगा कि देखो मुझे इंसल्ट किया है, ये समानवाद की दुनिया में गंवार को गंवार नहीं बोल सकते हो आप। पंडित को आप गंवार बोल सकते हो, लेकिन गंवार को पंडित बोल सकते हो। तो ये समानवाद जिसको उधर अंधेर नगरी टके सिर बाजी टके सिर गाजा। तो ये है सोशल मीडिया की दुनिया, कोई भी कुछ भी बकवास करता है, कुछ पढ़े नहीं है। जैसे मेरे बगल में जो मूर्ति है यहाँ पे, ये मास्क है, अगर मैं आपको दिखा दूं, आप बोलिए किसकी मूर्ति है ये मास्क। मैं आपसे पूछने वाला था ये सवाल, अभी मैं यही सवाल पूछने वाला था। तो ये है श्री राम, ये उड़ीसा में, दक्षिण भारत में, पूर्व भारत में जब राम को दिखाते हैं, वो उन्हें हरा रंग का दिखाते हैं, नीला रंग का नहीं दिखाते। अभी हिंदी भाषी को तो ये पता नहीं, तो वो चढ़ पड़ता है कि तुम हमारे रिलीजन को इंसल्ट किए हो। ऐसे भैया दो आंख दिए हैं, एक तो इस्तेमाल करो। भगवान ने तुम्हें दो आंख दिए हैं, एक तो इस्तेमाल करो, थोड़ा तो गूगल सर्च कर लो कि देखो राम को मैसूर, तांजोर, केरल, कनाडा, उड़ीसा, बंगाल में किस रंग में किया गया है मूर्ति। वो हमेशा हरा रंग दिया जाता है, क्योंकि ये कामदेव का, वो बोलते कामदेव जैसे सुंदर थे, और कामदेव को भी हरा रंग दिया जाता है। तो श्री कृष्ण को नीला रंग या काला रंग दिया जाता है, और राम को हरा रंग दिया जाता है। तो ये बातें देखिए, जो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो भड़क जाएगा, बिकॉज अनपढ़ गवार है। और हम उनको टीवी में बुलाते हैं। आप देखिए टीवी टीआरपी रेटिंग बढ़ाने के लिए टीवी में जितने भी हमारे जर्नलिस्ट है, वो सबसे ढूंढेंगे कि देखो जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको लेके आओ। इसलिए मैं पैनल डिस्कशन में बिल्कुल नहीं जाता, बिकॉज मैंने देख एक बार गया, मैंने देखा हे भगवान ये कौन लोगों को लेके आए हैं शास्त्र के ऊपर बात करने के लिए, श नहीं पता है शास्त्र का। मैंने उनको पूछा अच्छा डेफिनेशन दीजिए शास्त्र का, मतलब क्या है धर्मशास्त्र के। मनुस्मृति मनुस्मृति बोल रहे थे, तो मैंने कहा अच्छा मानव धर्म स्मृति के बारे में आपने सुना है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं हमने सिर्फ मनुस्मृति पढ़ा है, हमने मानव धर्म शास्त्र नहीं पढ़ा है। अब मैं कैसे उसे बोलूं कि मानव धर्म शास्त्र को ही मनुस्मृति बोलते हैं। और मनुस्मृति इज अ पॉपुलर नेम शास्त्र में, वो अपने आप को शास्त्र मनुस्मृति नहीं कहलाता है, लोगों ने उसको शॉर्ट फॉर्म में मनुस्मृति बोला है। लेकिन जब हम एक्चुअल बुक पढ़े तो अपने आप को मानव धर्म शास्त्र बुलाता है। तो कैसे अभी सामने मेरा आदमी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हमने मनुस्मृति पढ़ा है, हमने ये सब मानव धर्म शास्त्र हमें नहीं पता। अभी कुछ बोले तो हमें घमंडी लगेंगे, हम तो हमको चुप रहना पड़ता है। आजकल पंडितों को चुप रहना पड़ता है। अभी एक विवाद काली पर चल रहा है, माँ काली पर, आपने उसके बारे में सुना होगा। क्योंकि अभी ये चर्चा उस तरफ चली गई, हम अभी किताब पर आएंगे, क्योंकि किताब पर एक दो सवाल मेरे और हैं। माँ काली पर अभी जो विवाद है, उस पर आपका क्या मत है? राजनीति है, छोड़ दीजिए, जिसको भक्ति है उसे कोई विवाद नहीं है। ये राजाओं का युद्ध है, उन्हें छोड़ दो। चंडी निकल आएगी, लक्ष्मी को तो भूल गए, काली के ऊपर इतना विचार कर रहे हैं, लक्ष्मी तो भाग गई देश से। तो लक्ष्मी के बारे में बात कीजिए, अर्थशास्त्र के ऊपर बात कीजिए, पेट्रोल प्राइस के ऊपर बात कीजिए। लक्ष्मी कहाँ है? काली काली बोल रहे, वो तो जीव दिखा के चली जाएगी देवी।
वो तो हंस रही है, हमें जीभ दिखा रही है कि देखो इनकी लक्ष्मी इनके घर से चली गई, ना नौकरी मिल रहा है इनको, लेकिन काली काली के ऊपर स्मशान भूमि में पहुंच जाओगे, स्मशान काली की वो स्मशान भूमि में रहती है, हंसती है वहां पे, मृत्यु लोक से खेलती है, उसके साथ उन्हें प्रणाम करो उन्हें, और उन्हें बोलिए कि आप अपने स्थान पे ठीक है, लक्ष्मी को घर भेज दीजिए। तो मूर्ख है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि देवदत्त की दो तीन किताबें धन पे, शक्ति पे और शिक्षा पे, विद्या पे आई हैं। हिंदी में भी वो किताबें उपलब्ध रही हैं। मैंने बुक कैफे में उन किताबों पर चर्चा की थी। आप कभी भी सर्च करके उन किताबों को ढूंढ सकते हैं, खरीद सकते हैं और जान सकते हैं कि धन, ज्ञान और शक्ति के स्रोत क्या हैं, उनके तरीके क्या हैं, माध्यम क्या हैं, हमारे धर्मों में क्या स्थिति रही है और जिन लोगों ने अपनी स्थितियां बदली उन्होंने किन हालातों से गुजर के किसी भी कालखंड में उन पर आधिपत्य किया या उनकी सेवा की। मैं ये पूछ रहा हूं कि आपने इस पुस्तक में रामचरितमानस के एक दोहे का उल्लेख किया है, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। आपका ये कहना है कि ईश्वर के लिए भी, यहाँ तक कि राम के लिए भी नपुंसक और स्त्री पुरुष में कोई अंतर नहीं है। जब मैं नपुंसक की भी विस्तृत व्याख्या आपने दी है इसमें जी, और आपने बाकायदा बताया है कि नपुंसक का अर्थ क्या है, मैं चाहूंगा कि एक बार इन दोनों बातों को कि नपुंसक से यहाँ आशय क्या है आपका और ईश्वर का जो उनके प्रति प्रेम है, इन दोनों बातों को बताएं। ये दोहा ऐसे आया कि जब भी मैं लेक्चर देता था तो कोई ना कोई मुझे बोलता था ढोल गवार शूद्र पशु नारी चकल ताड़न के अधिकारी, हर स्टूडेंट मुझे बोलता था कि सर हमारे शास्त्रों में ये लिखा है। तो मैंने बोला कि वो रामचरितमानस में लिखा है, मैं तो ये गंगा घाटी की बातें हैं, मैं तो हिंदी भाषी हूँ लेकिन मैं गंगा घाटी में नहीं रहता, मुझे मैं उड़ीसा से हूँ, मेरे फैमिली बॉम्बे में हम लोग रहते हैं, तो आप हिंदी वाली रामायण क्यों बोल रहे हैं, आप मुझे उड़िया रामायण के ऊपर प्रश्न पूछिए, मराठी रामायण के ऊपर प्रश्न पूछे, तो वो पहले डर जाते हैं कि देखो वापस देवदत्त जी घुमा रहे हैं हमें। उसके बाद मैंने कहा कि अच्छा ये लाइन मुझे पता है, ये लाइन किसने बोला था, तो उनको पता नहीं, ऐसा ये डायलॉग है रामचरितमानस ने लिखा है लेकिन ये डायलॉग है वरुण देव राम के सामने बोल, राम ने नहीं कहा है, ये वरुण देव बोल रहे हैं और वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, छोड़ दीजिए वो बातें, राम ने क्या बताया है। तो फिर मैं ये श्लोक बताता हूं कि देखो राम ने ये बोला है काकभुसंडी को, आपने ये क्यों नहीं पढ़ा है, मतलब वही किताब में दो लाइन मिलते हैं, आप केवल वो लाइन पढ़ रहे हैं जिससे आप हिंदू धर्म का मजाक उड़ा सकते हैं और वो धर्म का नहीं। अभी देखिए ये फनी बात क्या है, जो लेफ्ट विंग हम जिसको वामपंथी दल बोलते हैं उन्हें ये पहला श्लोक ढोल गवार पशु शूद्र नारी वो हमेशा बोलेंगे कि ब्राह्मण संस्था ब्राह्मण व्यवस्था, लेकिन जो दूसरा दोहा है नर नपुंसक नारी वाला दोहा, ये दक्षिण पंथ लोगों को अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये नपुंसक शब्द आ गया उसके अंदर। तो देखता हूं कि रामचरितमानस में दो दोहे हैं जो किसको पसंद करता है, किसको दिखाता है, इसमें वामपंथियों को कुछ पसंद आता है, कुछ दक्षिणपंथियों को पसंद आता है, दोनों को रखा गया है शास्त्रों में। बात यह है कि ये पूछना है कि 500 साल पहले तुलसीदास जी जब लिख रहे हैं दोहे को तो वो नर नारी क्यों लिखने के बजाय उन्होंने नर नपुंसक नारी क्यों यूज किया, ये तीन शब्द क्यों इस्तेमाल किए। और वैसे ही गीता में हम श्री कृष्ण बोल रहे हैं क्लिब शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्लिब बौद्ध धर्म में पंडक शब्द इस्तेमाल होता है, पंडक। तो ऐसे अलग शब्द हैं, इनका अर्थ 100% क्लियर नहीं है, इनका मतलब क्या है, उस जमाने में बौद्ध धर्म में पंडक शब्द क्यों इस्तेमाल हो रहा है, संस्कृत में क्लिब शब्द क्यों इस्तेमाल हो रहा है, हिंदी में नपुंसक शब्द क्यों इस्तेमाल हो रहा है, तमिल में पेदी शब्द इस्तेमाल हो रहा है, अलग अलग शब्द है। तो इसको मैं अंग्रेजी में एक शब्द है क्वेयर, क्वेयर मतलब तृतीय प्रकृति की, जो क्लियर समझ में नहीं आता, और उसे समझाने के लिए मैंने किताब में एक्सप्लेन किया है कि देखो हमारे और जैन मुनियों ने बहुत क्लियरली कहा है कि हमारा शरीर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, एक तो द्रव्य शरीर है जो दिखता है, दूसरा है हमारा भाव शरीर जो हमारे मन के बारे में है, जो मन का शरीर है जिसे दिखता नहीं है, जैसे हम मुझे आपका मन दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन आपका मन है,
तो शरीर और मन को उन्होंने अलग किया है, एक को जिसको वेदांत में मनोमय शरीर कहते हैं और अन्नमय शरीर कहते हैं, दो शरीर या स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर अलग अलग शब्द है, द्रव्य शरीर भाव शरीर। इसके छोड़ के तीसरा एक शरीर है जिसको हम व्यक्त शरीर कहेंगे, जिससे हम अपने लैंगिकता को व्यक्त करते हैं कपड़ों से, साड़ी पहनना, शर्ट पहनना, लड़के एक प्रकार का ड्रेस पहनते हैं, लड़कियां एक प्रकार की ड्रेस पहनती है। लेकिन हम देखते हैं हमारी जिंदगी में कि कुछ लड़के होते हैं जो लड़कियों के जैसे व्यवहार भी करते हैं और कपड़े भी वैसे पहनते हैं, कुछ लड़कियां होती हैं लड़कों के जैसे व्यवहार करते हैं और लड़कों के कपड़े पहनते हैं, स्त्री रूपी पुरुष होते हैं, पुरुष रूपी स्त्री होते हैं। तो ये इनको सब अगर हमने तृतीय प्रकृति के कैटेगरी में डाल दिया तो ये नपुंसक बन जाते हैं, पुरुष जैसे नहीं है, अलग है कुछ, तो जैसे ये विचित्र है, नॉर्मल नहीं, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। लेकिन इन्हें अस्वीकारिता नहीं दी गई है, इन्हें भी स्वीकारिता दी गई है। कि जैसे वो फेमस एक लोक कथा है कि राम जी जब वनवास जाते हैं तो वो कहते हैं कि नर और नारी अयोध्या में चले जाए, वापस लौटे, जब वो वनवास के बाद अयोध्या लौटते हैं तो देखते हैं कि बाहर कुछ नपुंसक बैठे, तो उन्होंने कहा कि आप क्यों बाहर हो, अयोध्या के अंदर क्यों नहीं हो? तो उन्होंने राम जी को क्या कहा, नर को अंदर जाने के लिए, नारी को अंदर जाने के लिए हम इन दो कैटेगरी में नहीं बैठते। तो ये अभी आजकल लोग किन्नर शब्द इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज किन्नर दिखाई देते हैं क्योंकि वो कपड़े पहनते हैं, उनका भाव भाव समलैंगिकता दिखाई नहीं देता, बिकॉज वो प्राइवेट में होता है, वो पब्लिक में दिखाई नहीं देगा, पुरुष जैसे व्यवहार है, पुरुष जैसा व्यवहार है। लेकिन प्राइवेटली जब वो अपने फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं, पहली तो ये एक बड़ा बोलो कि सन्यासी बनना चाहते हो, नहीं मैं सन्यासी नहीं बनना चाहता, सन्यासी भी नहीं बनोगे और शादी भी नहीं करोगे तो रहोगे कैसे, यू नो, फिर लड़कियों के साथ घूमते रहोगे, नहीं नहीं मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, अभी वो और विचित्र हो गया, समझ में नहीं आता है पेरेंट्स को कि हम डील कैसे करेंगे ऐसे बच्चों के साथ। ये समलैंगिकता के ग्रुप में आ गए क्योंकि उन्हें पुरुष पसंद है लेकिन बोल नहीं सकते हैं, स्त्री लड़कियों को लड़की पसंद है। आजकल मैंने देखा है कि ये टॉक शोज में लोग बात करते हैं, स्टैंड कॉमेडी में बात करते हैं, धीरे धीरे इसका बातचीत यंग जनरेशन में हो रहा है, तो यंग जनरेशन ये बात कर रही है कि हाँ ऐसा होता है, कुछ पुरुष होते हैं जो पुरुषों पर आकर्षित होते हैं, कुछ स्त्री होते हैं जो स्त्रियों के साथ आकर्षित होते हैं, उनका हाव भाव पुरुष जैसा ही होगा लेकिन वो स्त्री ना साड़ी पहनने की इच्छा है ना स्त्री बनने की इच्छा है, लेकिन आकर्षित होते हैं वो पुरुष के प्रति, यू नो, अपने ही समलैंगिक। तो ये जो नई बातें व्यक्त हो रही है, लोग आजकल इससे डर रहे हैं, बोल रहे कि ये पाश्चात्य है, ये जंगली है या शैतान ने बनाया है, जैसे फैमिली में अस्वीकार करना, क्योंकि अहंकार को डर लगता है नई बातों से। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस पुस्तक में एक अध्याय बहुत ही अच्छा अध्याय है, मैं उस पर जिक्र करता लेकिन देवदत्त जी अपनी उत्तर में उन बातों को ले आए हैं। इन्होंने बहुत संवेदनात्मक ढंग से इस बात की भी सीख दी है कि किसी भी परिवार में अभिभावक को क्या करना चाहिए, या जो बच्चे इस तरह के हैं, जो लड़के इस तरह के हैं, जो लड़कियाँ इस तरह की हैं, वे अपने परिवार में इन बातों को कैसे कहें, इसका बाकायदा विस्तार से उन्होंने उल्लेख किया कि आप किस तरह से अपने घर वालों को बताएंगे। क्यों? क्योंकि देवदत्त का कहना यह है इस पुस्तक में कि अगर आपको परिवार की स्वीकार्यता मिल जाती है तो दुनिया से लड़ना आसान हो जाता है। इस पुस्तक का उद्देश्य भी यही है कि हमारे समाज में, जो हमारे धर्म में, समाज में, परिवार में जो व्यापकता रही है, जो परिवार के संस्कार रहे हैं, जो सीख रही है, उनसे भी ऊपर कोई चीज है, वह है प्रेम, उससे भी बड़ी चीज है मानवता, संवेदना, उससे भी बड़ी चीज है स्वीकार्यता। अगर कोई नपुंसक है, अगर कोई समलिंगिक है, तो यह उसका दोष नहीं है, बल्कि प्रकृति ने उसे उस रूप में बनाया, और इसलिए क्योंकि प्रकृति बहुत ही विविध है, बहुविध है और अनंत है। बार बार देवदत्त इस बात को कहते हैं। मैं चाहूंगा आपका अगला प्रोजेक्ट क्या है, इस पर बात करें और बताएं कि क्या लिख रहे हैं आजकल। तो अगला प्रोजेक्ट अभी एडिट हो रहा है, अंग्रेजी में है, उसको हिंदी का अनुवाद करेंगे, लेकिन ये गरुड़ पुराण के क्या बात है, बड़ा ही पसंदीदा विषय पर आप कर रहे हैं। अंग्रेजी की पुस्तक भी भिजवाएं ताकि हम अपने दर्शकों को बता सकें। गरुड़ पुराण
मृत्यु के बाद का वह संस्कार है जो सनातन धर्म में, खासकर हिंदू परिवारों में, उत्तर भारत में लगभग सभी घरों में, दक्षिण की बात मैं नहीं जानता, यह हम देवदत्त से तभी पूछेंगे जब पुस्तक आ चुकी होगी। अंतिम संस्कार में उस यात्रा का वर्णन है जब आत्मा ट्रांजिट कर रही होती है और परमात्मा से मिल रही होती है, या स्वर्ग नर्क जो भी आप माने अपने कर्मों के हिसाब से, और बहुत ही अलग तरह का पुराण है। हर व्यक्ति को आत्मा को मोक्ष देने के लिए हमारे यहाँ उसके पाठ की परंपरा है, देवदत्त से जानेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बधाई, अभी से स्वीकार करें, आपने एक बहुत पसंदीदा विषय चुना। वो रिलीज कर रहे हैं हम पितृपक्ष के टाइम में ताकि वो सबको मिले, क्योंकि लोगों को पता नहीं है। आपने जो कहा पिंडदान तर्पण, इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है, तो इसीलिए आपकी किताब बहुत महत्वपूर्ण है और उसका बहुत सही समय पर आना है। हमारी शुभकामनाएं स्वीकार करें। मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि यह पुस्तक आप अवश्य खरीदें, या चाहे आप इस तरह के वातावरण से गुजर रहे हों या नहीं गुजर रहे हों, अगर आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति मिले तो वह सबसे पहले इंसान है, वह जिस भी तरह का है, उसकी जो भी स्थिति है, अमीरी गरीबी जेंडर लिंग, इन चीजों का अर्थ जीवन में आपकी मनुष्यता के बाद आता है, पहले उसे स्वीकारें। क्यों? क्योंकि आपकी प्रकृति ने आपको विवेक ज्ञान और बुद्धि इसीलिए दी है कि आप अपने को व्यापक बना सकें, कूप मंडूक न बने। बार बार देवदत्त अपने कार्यक्रमों में यही कहते हैं, मैं भी यही कहता हूं, किताबें पढ़ें, किताबें आपको विराट बनाएंगी, आपको कुछ ज्ञानवान बनाएंगी और कुछ करने और समझने के लिए प्रेरित करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद देवदत्त, आप जुड़े, और दर्शकों का भी धन्यवाद। हम फिर किसी ऐसी ही शख्सियत के साथ शब्द रथी में मिलेंगे, तब तक देखते रहें साहित्य तक, आप सभी को।